तो बिल्कुल सही समय पर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में हर काम सही समय पर होता है। लेकिन आपको लगता है कि एडजस्ट करने के चक्कर में सिंधिया समर्थकों को बहुत ज़्यादा दबदबा हो गया? अब कोई समर्थक किसी का नहीं, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और जिस कार्यकर्ता की जहाँ उपयोगिता है वहाँ उसको काम मिला है। तो ग्वालियर चंबल की 16 सीटें हैं, बड़ी बहुतायत है वहाँ विधायकों की। जो भी है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व विचार करके किया। मैं एक बात स्पष्ट करूँगा कि जो भी मंत्री बनाए वो भाजपा का कार्यकर्ता है। इसका आपको लगता है उपचुनाव में कुछ असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी 24 प्रचंड बहुमत से जीते और ये हमारा लक्ष्य है। जो डिरेल हो गई मध्य प्रदेश की विकास की गाड़ी कमलनाथ की सरकार में, वो उसको फिर से पटरी पर लाएंगे। जनता का कल्याण और मध्य प्रदेश का विकास यही है। सर, आप लोग कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाते थे कि 3-3 पावर सेंटर है, कमलनाथ सिंधिया दिग्विजय, यहाँ पर पार्टी में एक ही पावर सेंटर है, खिलता हुआ कमल का फूल। सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, सभी क्षेत्र के ध्यान रखने की पूरी कोशिश की है। प्रदेश का विकास जरूरी है। सर, जो पुराने चेहरे थे नाराज़, ग्वालियर चंबल संभाग सभी का सब जगह बहुत संगठन सभी की चिंता करता है। ग्वालियर चंबल संभाग की जो सीटें उपचुनाव में 16 सीटें, उसका भी ध्यान रखा गया है। सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। खुशी होती है, हम मुख्यमंत्री जी को मदद कर सकते हैं, बीजेपी को अच्छे से एक सुदृढ़ सरकार बना सकते हैं। सिंधिया परिवार का वर्चस्व मैम, पहले बीजेपी। राज्य की जो अर्थव्यवस्था उसे पटरी पर लाने का काम करेगी, जो पेंडिंग योजनाएं हैं उन योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करने का काम करेगी, लोक कल्याण के और भी काम जो रुके हुए थे उन कामों के लिए पूरा करने का गति लाने का काम। मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, देश के केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने जो मुझे छोटे कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी है, मैं उसका पार्टी के दिशा निर्देशों पर चलकर पूर्णतः पालन करूंगा और जहां जो जिम्मेवारी दी जाएगी उसका अक्षर से निर्वहन करूंगा। इस बार देखा गया मंत्रिमंडल जो विस्तार हो रहा है, मंत्री शामिल किए गए, उसमें नए चेहरे ज्यादा हैं, पुरानों को कम किया गया। तो दुनिया का सबसे बड़ा दल है ना, जब इतना बड़ा दल बना है तो उनकी रीत नीत सब है, उसके हिसाब से उनने किया होगा, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। मगर कई काट के आपका नाम जुड़ा है। अब ये पार्टी का जो निर्णय है वो सिरोधार है ना, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, जो जिम्मेवारी दी है उसका अच्छे से निर्वहन करूंगा। क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगे? प्राथमिकता प्रदेश का विकास, संभाग का विकास, जिले का विकास, विधानसभा का विकास और प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता जनार्दन के हित में जो हमारे हिस्से में आएगा वो सब काम करूंगा मैं। चंबल को मिली है, ज्यादा मंत्री मिले हैं चंबल? चंबल ने तो सरकारें बनाई है भैया, तो जो पार्टी का जो समझौता होगा उसका पालन हुआ होगा।